हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गांव वालों की मेहनत से बंदरों को बचाया गया। वन विभाग के अधिकारी और वन कर्मी टस से मस नहीं हुए। 6 घंटे तक चला रेस्क्यू, आखिर में गांव वालों की हुई जीत। नागानी उड़वारिया पंचायत के अंतर्गत टोकरा गांव में लगभग 6 घंटे चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ग्रामीणों की मदद से बंदरों को आखिरकार बचा लिया गया। इस पूरे अभियान में टोकरा गांव के लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। शुक्रवार सवेरे से टोकरा गांव के लोग बंदरों को बचाने के लिए काम पर लग गए। भयंकर गर्मी में भी गांव के लोगों ने भूखे रहकर बंदरों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद बंदरों को बचा लिया गया। गांव वालों ने नावों को राम सेतु बनाया। गांव के लोग ट्रैक्टर में भरकर नाव लाए और उनको एक दूसरे के आगे आगे बांधते रहे और लंबी लाइन लगा दी। पूरी पहाड़ी को चारों ओर से घेरा गया और पटाखों का भी सहारा लिया गया। घेरे के साथ गांव के लोग आगे बढ़े और कई घंटों की मशक्कत के बाद एक बंदर नाव पर कूदा। उसके बाद एक एक कर सभी बंदर नाव पर कूदते गए और सभी बाहर निकल गए। इस पूरे अभियान में सबसे बड़ी लापरवाही वन विभाग की रही। विभाग के कार्मिक मौके पर मौजूद रहने के बाद भी कुछ काम नहीं आए। सुबह से पेड़ की छांव में सभी वन विभाग के अधिकारी और वन कर्मी टस से मस नहीं हुए। लोगों के आक्रोश के आगे 3 वन विभाग के कर्मी बोट से पहाड़ी पर गए। नावों से बाहर निकालते वक्त बंदर का एक छोटा बच्चा नाव से भागते वक्त गिर गया। तभी वहां गांव के युवा मौजूद अपनी जान की परवाह किए बिना कूद गए। बांध में राकेश मेघवाल, संजय पुरोहित, हितेश पुरोहित, प्रकाश मेघवाल, भगवत सिंह, अर्जुन माली, कांतिलाल मेघवाल ने मिलकर बांध में गिरे बंदर के बच्चे को बचाया। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।